ये देखिए हमारे कच्चे कीमे का कबाब हो गया, तो बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी बना। तो ये अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हो आप लोग आफियत और खैर के साथ होंगे। आज हम कीमे का कबाब बना रहे हैं, जो हम कच्चे ही कीमे का बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, और यह मैंने दो कांदा लिया जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, एकदम बारीक चॉप कर लिया, और इसका पानी भी हाथों से ग्रेट कर लिया है, मतलब छान लिया है। ये मैंने एक नींबू का रस लिया है, ये मेरा 3 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, ये कुछ स्पाइसी मसाले हैं जिसके अंदर मैंने 1 पूरा चम्मच से थोड़ा ऊपर चाट मसाला लिया है। ये मैंने एवरेस्ट का लिया, आपके पास जो ब्रांड है आप वो ब्रांड का ले सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च लिया है, ये 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, और ये मैंने 2 चम्मच पूरा अच्छे से मतलब कुटी हुई खड़ी धनिया है हमारी, और ये मैंने जीरा लिया जिसे मैंने भी इसे भी कूट लिया, ये पूरा 1 चम्मच है। ये थोड़ा सा मैंने सोडा लिया है, ये मैंने कचरी पाउडर लिया है, ये मैंने कबाब मसाला लिया है पूरा 1 चम्मच भर के, और ये मैंने गरम मसाला लिया 1 चम्मच, ये पूरा हमारा स्पाइसी मसाला है, और ये मैंने थोड़ा सोडा लिया है जो हमारा गला मतलब गलाने में और जूसी बनने में हेल्प करेगा, और ये मैंने वो लिया है कचरी पाउडर, दोनों ही लिया। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी लिया जो हमारे मटन को मैरिनेट करने में हेल्प करेगा। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसी मसाले डाल दे रहे हैं। मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स अभी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा अपनी बच्ची के लिए निकालना है, तो आप लोग इसी टाइम पे चाहे तो निकाल भी सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे जो मैंने भून के रखा है, क्योंकि हमें भुना हुआ बेसन चाहिए। और इसके अंदर आप लोग एक अंडा भी डाल दीजिएगा, मेरा अंडा नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन आप लोग डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं, मिर्ची का भी पेस्ट है, आप चाहे तो हरी मिर्ची ऊपर से चॉप भी करके डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपने कांदा डाल देंगे, अब इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे, और ये एक नींबू का रस डाल देंगे हम। अब ये सबको मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हम नमक डाल रहे हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टाटा। हाँ टाटा। ये देखिए हम रेड चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, अभी लास्ट में हमने डाला है, तीखा लग जाएगा क्योंकि ये बहुत तीखा रहता है, और हमने अपनी बच्ची के लिए निकाल लिया तो तब तक नहीं डाला था, फिर लास्ट में डाला। आप उसी टाइम पे डाल दीजिएगा, और इसको जितना हो सके हाथों से अच्छे से मस लीजिएगा, जिससे कि इसका रेशा फूट जाएगा कीमे का, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग भी पकड़ेगा, ऊपर से बहुत अच्छा बनेगा भी। ये देखिए आपको और तीखा चाहिए तो आप और डाल दीजिएगा। आज हम मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये हो गया, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से मसला है, और फिर आप चाहते इसके अंदर और तीखा भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको एक पेड़े की शेप में हम देंगे, इसमें हम 1 गिट्टी बटर डाल दे रहे हैं, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, चाहे तेल भी डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत ही मुलायम बनेगा। और ये सबको अभी हम वापस मसलेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया, बहुत ही मुलायम हो गया, ये देखिए नरम हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा पेड़े की शेप में देके, आपको इससे चाहे तो गोल बनाइए, चाहे तो ऐसे टिक्की बना लीजिए, और इसमें थोड़ा हाथों में ऑयल लगा लीजिए। ये देखिए हमने कबाब बना लिया है, ये अक्षा के लिए बनाया है, ये उसके अब्बा के लिए बना दिया, सबका हो गया, ये तीखा वाला है, बिना तीखे वाला है। ये देखिए हम डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, हम हमेशा शैलो फ्राई करते हैं, लेकिन आज एक्चुअली बहुत लेट हो गया तो हम डायरेक्ट डीप फ्राई कर दे रहे हैं, ताकि जल्दी हो जाए। ये देखिए हम अपने कबाब डाल रहे हैं, और ऐसे सारे कबाब डाल दीजिए। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत कलर आया, आप चाहे आप इसे शैलो फ्राई भी कर लेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं डीप फ्राई कर ली हूँ फटाफट, लेकिन आप लोग शैलो फ्राई करिएगा, इससे इसका बहुत ही फ्लेवर इनहेंस होता है। ये देखिए हमारा हो गया है, कितना लाजवाब, तो अभी हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो ये चटनी रेस्टोरेंट में होटल में जो हमारी थीक वाली चटनी हरी चटनी मिलती है कबाब के साथ खाने वाली, वही है। तो इसके लिए हमने 1 मुट्ठा धनिया, 1 मुट्ठा पुदीना और 1 नींबू लिया है, और इसके लिए हमने आधा प्याली सेव लिया है, जिससे इसके अंदर थिकनेस आएगी, इसी की वजह से उन लोग की चटनी एकदम थिक रहती है। और ये मैंने सूखी मिर्ची ली है,
और 1 चम्मच जीरा लिया है, ये थोड़ा हमने अदरक लिया है, और ये हमने एक आड़ी से थोड़ा सा कम लहसुन लिया है, और ये हरी मिर्ची लिया। आप ये कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तीखा, अगर आपकी फैमिली में तीखा कम खाते तो आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और ये हमने एक प्याली दही ली है, जिससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा मतलब फ्लेवर आएगा। अब ये सबको हम अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा बर्फ़ डाल के, ताकि ये हमारा चटनी हरी ना हो मतलब काली ना पड़े। ये देखिए कबाब के साथ खाने के लिए चटनी पीसने जा रहे हैं हम। ये देखिए हम बर्फ़ डाल के पीसेंगे, जिससे इसका कलर हरा ही रहेगा। हाँ बर्फ़, जिससे इससे कलर ना मेंटेन रहेगा अगर आप बर्फ़ डाल के पीसेंगे तो। ये देखिए हमारी चटनी हो गई है, देखिए यदि लाजवाब बनी है तो आप लोग भी बनाएं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है। ये देखिए हमारे कबाब हो गए हैं, तो बहुत ही लाजवाब बना है, तो आप लोग भी बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज़।